डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार बीते कुछ सालों में फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन या औषधि प्रदूषण एक जरूरी मुद्दा बनकर उभरा है। इसके मुताबिक दुनिया की लगभग आधी यानी 43% नदियां सक्रिय दवा सामग्री से दूषित हैं, जिसका स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और पर्यावरण क्षेत्रों से समन्वित कार्रवाई की जरूरत है। चलिए जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन या औषधि प्रदूषण क्या है। ये मुख्य रूप से जल प्रदूषण का एक रूप है जो फार्मास्यूटिकल दवाओं और उनके अणुओं के कारण होता है। यह अणु अपशिष्ट जल के माध्यम से जलीय वातावरण में पहुंचते हैं। दरअसल फार्मास्यूटिकल संयंत्र अक्सर अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी रासायनिक यौगिकों को फिल्टर करने में असमर्थ होते हैं। इस तरह ये अनफिल्टर्ड दूषित रसायन आसपास के पेयजल के स्रोत में और अंततः महासागरों, झीलों, धाराओं और नदियों में रिसकर उन्हें प्रदूषित करते हैं। औषधि निर्माताओं द्वारा अपशिष्ट जल को कभी कभी खुले मैदानों और आसपास के जल निकायों में भी छोड़ दिया जाता है, जिससे पर्यावरण लैंडफिल या डंपिंग क्षेत्रों में औषधीय अपशिष्ट या उनके उप उत्पादों में वृद्धि होती है। यह प्रदूषण अब दुनिया भर के जल में पाया जाता है, जिसके प्रमुख कारणों में दवा उद्योग का अपशिष्ट, पुरानी अवसंरचना, सीवेज ओवरफ्लो और कृषि अपवाह शामिल हैं। चलिए नजर डालते हैं भारत में फार्मास्यूटिकल्स की स्थिति पर। भारत फार्मास्यूटिकल्स के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में करीब 3000 दवा कंपनियां और करीब 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। भारत का प्रमुख फार्मा उद्योग हैदराबाद शहर में स्थित है, इसलिए इसे भारत की थोक दवा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार स्थानीय लोगों का तर्क है कि जिन क्षेत्रों में दवा उद्योग स्थित है वहाँ भूजल अत्यधिक दूषित है। अनुमान है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 60,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु मल्टी ड्रग प्रतिरोध संक्रमणों के कारण होती है। इसके लिए एंटीबायोटिक दवाओं के साथ औषधीय जल प्रदूषण जिम्मेदार हैं। चलिए समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन के क्या प्रभाव होते हैं। फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन के प्रभाव की बात करें तो मानव स्वास्थ्य पर एंडोक्राइन डिसरप्टर केमिकल्स यानी EDCS जैसे एंडोसल्फान सीधे सेक्स हार्मोन को प्रभावित करते हैं। वहीं जलीय जीवन पर बात करें तो यह मछली एवं अन्य उभयचरों की मृत्यु का एक कारण बन सकता है, जबकि पर्यावरण पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है और कुछ फार्मास्यूटिकल यौगिक पर्यावरण और जल आपूर्ति में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, औषधि प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये मुख्य रूप से जल प्रदूषण का एक रूप है। कथन दो है, दुनिया की लगभग आधी नदियां सक्रिय दवा सामग्री से दूषित हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों और न तो एक न ही दो। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।